डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में क्लास 6 यूनिट 8 लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का कुछ हिस्सा इससे पहले मैं सॉल्व करके उसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, और बाकी जो रिमेनिंग लास्ट 10 पार्ट हैं, पार्ट नंबर 12 से लेकर पार्ट नंबर 21, वो आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। मैं आपको चैनल के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की मैथ की वीडियोज़ मैंने अपलोड की हुई हैं। हर एक की प्ले लिस्ट अलहदा से बनी हुई है क्लास की। इसके अलावा केमिस्ट्री की, फिज़िक्स की, सोशल स्टडीज़ की, साइंस की, कंप्यूटर साइंस की वीडियोस भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं। इन तमाम क्लासेस की अलग-अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। जाइए आप चैनल के ऊपर, प्लेलिस्ट को विज़िट कीजिए। जिस जिस प्लेलिस्ट में जो जो सब्जेक्ट आपको चाहिए उससे रिलेटेड प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ से विज़िट कर सकते हैं। अदरवाइज एक आसान तरीका भी ये है कि आप जस्ट यूट्यूब के सर्च बार में टाइप करें एक्सरसाइज 9.1 PTB बाय लर्निंग जोन, ठीक है, बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो वहाँ से वीडियो मिल जाएगी। एक्सरसाइज 5.1 क्लास 9th मैथ PTB बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगी, अगर मेरी वीडियो उसके ऊपर मौजूद है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि वीडियो सर्च ही नहीं करनी पड़ेगी, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहेगा। मेरे फेसबुक पेज पर अगर मुझे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि बता चुका हूँ, इसके पहले 10 पार्ट हम मैं सॉल्व कर चुका हूँ, उसकी वीडियो मौजूद है। बाकी के रिमेनिंग पार्ट आज सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 12। क्वेश्चन यही था, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और वेरीफाई द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को भी वेरीफाई करना है, वो भी हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12 ये आपके पास मौजूद है। यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्लस प्लस प्लस, चार फ्रैक्शन है, चारों फ्रैक्शन के दरमियान प्लस का साइन है। फ्रैक्शन के दरमियान अगर प्लस या माइनस हो तो आप जानते हैं उनके डिनोमिनेटर सेम करते हैं या आप उनका एलसीएम लेते हैं, तो प्लस का साइन है, डिनोमिनेटर सेम पहले ही हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इनका सबका जो एलसीएम है वो आपके पास 2 आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, ठीक है। 2 एक दफ़ा लिख लें, इन सबको बारी बारी ऊपर लिख लें, एक्स प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 5x इज इक्वल टू 25, यानी डिनोमिनेटर जो है 2 2 2 सेम है सब में, तो मैंने एक दफ़ा लिख लिया, बाकी सबको ऊपर मैंने तरतीब से लिख लिया है। एक्स प्लस 3x 4x, 4x प्लस x 5x, 5x प्लस 5x 10x, 10x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 25। अब देखें, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 भी एक्स्ट्रा है यहाँ पे, 10 भी एक्स्ट्रा है, 2 को यहाँ से रिमूव करने लगा हूँ, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 10x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 10x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई टू 50। अब 10 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, सॉरी 10 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 10, तो x इज इक्वल टू 5, 10 5 इज 50, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 5। ये आपने पहला काम कर लिया, आधा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड कर लिया। अब बारी आती है, हमने इसको वेरीफाई करना है कि इस पूरे को सॉल्व करने के बाद ये भी 25 आता है, x की वैल्यू पुट करें तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 5 ओवर 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2, x की जगह 3 पुट किया, सॉरी x की जगह 5 पुट करना है हमने, x की वैल्यू है 5, तो ये आपके आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 25। जहाँ जहाँ x मौजूद है वहाँ वहाँ मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी है 5। अब ये देखें जी, 5 डिवाइड बाय 2, 5 3 इज 15 डिवाइड बाय 2, 5 डिवाइड बाय 2, 5 5 इज 25 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 25। अगेन सबका डिनोमिनेटर सेम है 2, तो पूरे 2 को एक दफ़ा नीचे लिख लें, ऊपर 5 15 5 प्लस 25 इज इक्वल टू 25, 5 प्लस 15 20, 20 प्लस 5
50 डिवाइड बाय 2 और ये अब गया 25, 2 को कटिंग करेंगे तो 25 ही आएगा, 25 इज इक्वल टू 25, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों बराबर हैं, दोनों का 25 आ रहा है। इससे मुराद ये कि हमारा सलूशन ना सिर्फ ठीक है बल्कि उसको हमने वेरीफाई करके भी दिखा दिया है। तो इस तरह आपने क्वेश्चन को ना सिर्फ सॉल्व किया बल्कि उसकी वेरीफिकेशन भी परफॉर्म करके दिखाई है। पार्ट नंबर 14 और पार्ट नंबर 15 एक जैसे हैं, इनमें से एक पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 14, 2m माइनस 5 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस 5 ओवर 2, यहाँ पे आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपके पास 2m माइनस 5, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, इसको एक दफ़ा नीचे लिख लें और ऊपर 1 प्लस 5 आएगा, तो ये आपके पास आएगा 2m माइनस 5, 5 प्लस 1 2, तो ये आपके पास आएगा 2m माइनस 5 इज इक्वल टू 2 3 ज़र 6, तो 2m माइनस 5 इज इक्वल टू 3, तो ये आपके पास 2m 3 माइनस 5 है तो प्लस 5, 2m इज इक्वल टू 8, m के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, तो 8 डिवाइड बाय 2, तो m की वैल्यू आएगी 2 2 ज़र 4, m की वैल्यू आएगी 4, m की वैल्यू 4 है, तो आपने क्या करना है, आपके पास आंसर आ गया है, ये इसको सॉल्व कर लिया है। अब इसकी बारी आती है वेरिफिकेशन की, वेरिफिकेशन करते हो आपने m की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, 2m की वैल्यू क्या फाइंड की है 4 माइनस 5, डिनोमिनेटर सेम है 1 प्लस 2 5 ओवर 2, 4 टू ज़र 8, 8 माइनस 5 ये क्या है 6 ओवर 2, 2 3 ज़र 6, 8 में से 5 गए 3, 3 इज इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने करना है जब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे अगला पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरह का है, उम्मीद आप उसको भी सॉल्व कर लेंगे। पार्ट नंबर 16, 6a माइनस 4 डिवाइड बाई 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 2, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इससे पहले इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। सबसे पहले आप ये काम करें कि ये 2 और 2 के नीचे जो है 1 मौजूद है, इसको जब कभी ज़रूरत पड़े तो हम लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में हमें ज़रूरत पड़ी तो हम लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, इधर भी फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर है, इधर भी फ्रैक्शन है, तो जब दरमियान में इक्वल का साइन हो, दोनों तरफ फ्रैक्शन हो, तो उसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो अगर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने से उस पर कोई फ़र्क नहीं करता, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5 ही आएगा, जिस नंबर को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर जवाब होगा। तो ये वैसे का वैसे अब वैसे लिख दें, 6a माइनस 4, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 2a प्लस 2, तो ये आएगा 6a माइनस 4, 2 टू ज़र 4a प्लस 2 टू ज़र 4। अब 6a माइनस 4, 4a है, तो अब क्या करेंगे, ये वाला उठा के इधर ले आएंगे, इसको उठा के इधर कर देंगे, क्योंकि हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a वाली टर्म एक साइड पे करेंगे, तो a के बगैर जो टर्म है वो एक तरफ करेंगे, ये आएगा 6a प्लस, तो इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस 4a, ये ऑलरेडी प्लस 4 इधर मौजूद है, ये माइनस 4 है, तो इधर आके ये भी प्लस 4 हो जाएगा, 6a माइनस 4a 2a आपके पास जवाब आएगा, प्लस 4 प्लस 4 8, और a की वैल्यू आएगी 8 डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू आपके पास आएगी 4, ये आपने सॉल्व कर ली, a की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, यहाँ पे आपने a की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब बारी आती है इसकी वेरिफिकेशन की, वेरिफिकेशन में जहाँ जहाँ a मौजूद है वहाँ वहाँ आप 4 पुट कर दें, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, 6 4 ज़ार 24, 24 माइनस 4, 4 टू ज़र 8 प्लस 2, 24 माइनस 4 20, 8 प्लस 2 10, कटिंग करेंगे तो 10 टू ज़र 20, 2 इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। इस तरह इसकी वेरिफिकेशन भी मुकम्मल हो चुकी है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी और ये पार्ट भी आपको समझ आया होगा। पार्ट नंबर 18, पार्ट नंबर 18 में 0.1x
प्लस 2.5 इज इक्वल टू 3। अब ये क्वेश्चन है डेसिमल वाले, आखिरी तीन चार क्वेश्चन डेसिमल वाले हैं। डेसिमल की जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आपको थोड़ी मुश्किल लगती है, तो गौर से ज़रा देखिएगा। यहाँ पे भी x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 0.1x प्लस 2.5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 माइनस 2.5, 0.1x। अब 3 में से माइनस 2.5 करेंगे, ये 3 है माइनस 2.5, ठीक है। 3 के बाद भी पॉइंट मौजूद है जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा, लगा के आप 0 लगा सकते हैं। तो ये आप यहाँ से एक कैरी जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गए, 5.2 में से 2 गए, 0.5 आएगा। यानी आप खुद बता के 3 है, 3 में से 2.5 यानी माइनस करना है, तो वो आपके पास 0.5 ही आंसर आएगा, 0.5। अब 0.5 आ गया, ये 0.1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 0.1। अब आप जानते हैं कि पॉइंट के बाद इधर भी एक डिजिट है, पॉइंट के बाद इधर भी एक डिजिट है, तो इसका अगर पॉइंट ख़त्म करना है तो ऊपर आप 0 पॉइंट की जगह 1 लगाएं, आगे जितने डिजिट उतने 0 लगा दें, पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। इसका पॉइंट ख़त्म करना है, नीचे आप पॉइंट के नीचे 1 लगाएं, आगे जितने डिजिट है उतने 0 लगा दें, तो ये आपके पास आएगा। 10 को 10 से काट दें, अब ये कट गया, या पॉइंट को पॉइंट से भी काट सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। 5/1 आ जाएगा, 5/1, तो अब x की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी, वो 1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसकी वेरिफिकेशन देखते हैं। वेरिफिकेशन में 0.1 x की जगह आप 5 पुट कर दें, प्लस 2.5 इज इक्वल टू 3। 5 को मल्टीप्लाई बाय 0.1 करें, 0.1 करें, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 ones are 5, 5 zeros are 0। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो एक डिजिट छोड़ के 0 लगा दें, तो ये आपके पास 0.5 ही आएगा, प्लस 2.5 इज इक्वल टू 3, 2.5, 0.5, आपके पास 3 ही आएगा, तो 3 इज इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है कि डेसिमल वाली जो कैलकुलेशन है वो भी आपको समझ आई होगी, नहीं समझ आ रही तो बार बार वीडियो को देखें, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से उम्मीद है ये चीज़ आपको आ जाएगी समझ। सेकंड लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 20, पार्ट नंबर 20 है 0.25x। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, 0.25 इसको पढ़ते हैं, तो ये 0.25x प्लस 1.5 इज इक्वल टू 7.5। यहाँ पे आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद इसको वेरीफाई भी करना है, तो ये आपके पास आएगा 0.25x प्लस 1.5 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा 7.5 माइनस 1.5, तो ये आपके पास आएगा 0.25x इज इक्वल टू 7.5 से माइनस 1.5 करेंगे, तो यहीं पे करते हैं 7.5 माइनस 1.5, 5 में से 5 गए 0.7, में से 1 गए 6.0। तो 6.0 से मुराद यही है कि 6 है, ये बाकी बात में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 0.25 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 0.25, ठीक है। अब या तो इसको कैलकुलेटर करके, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके कर लें, वरना मैं आपको सिखा देता हूँ। पॉइंट ख़त्म करने के लिए ऊपर 1 लगाएं, पॉइंट ख़त्म हो गया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, तो 2 0 आप लगा दें, 2 0 लगा दें, तो ये आपके पास आएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 100, 600 डिवाइड बाई 25। अब 600 डिवाइड बाई 25 करते हैं, ये आपका 25 डिवाइडेड बाई 600, 25 2s are 50, 1 सो 10 आया, ऊपर से एक 0 उतारा 100, 25 4s are 100, तो इसका जो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 24 आएगा। ये आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, आप x की वैल्यू पुट करके इसको वेरीफाई भी कर देते हैं, 0.25 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 24 प्लस 1.5 7.5। अब 0.25 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक वक्त के लिए भूल जाएं कि ये 0.25 है, ये समझे 25 है, और ये 24 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 4s are 20, 2 4 2s are 8 प्लस 2 10, 5 2s are 10, 0 एक आएगा ऊपर, 2 2s are 4 और 5, ये आपके पास आ जाएगा 600। अब
0.25 था, इधर मैं लिखता हूँ 0.25। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? दो। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? दो। तो दो डिजिट छोड़ के आप पॉइंट लगा दें तो 6.00 आएगा। इसको खाली हम 6 भी लिख सकते हैं, 6, ठीक है, क्या आएगा 6, 6 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 7.5, 6 प्लस 1 7, 7.5 और 7.5 राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर आ चुकी है। और इसके मुराद है कि हमारी वेरिफिकेशन भी बिल्कुल ठीक है और ये क्वेश्चन की शॉर्ट ही है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो फाइनली लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एंड एक्सरसाइज 9.1, 3x माइनस 1.5 डिवाइड बाई 0.9 माइनस 1.5x इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, ये यहाँ पे इसके साथ डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके 0 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो देखते हैं 3x माइनस 1.5 0 मल्टीप्लाई बाय 0.9 माइनस 1.5x, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कोई भी टर्म, कोई भी वैल्यू, कुछ भी 0 के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो इसको 0 कर देता है। 2000, 100, 0, तो ये सारी की सारी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है, सारी की सारी टर्म 0 हो जाएगी। अब आ गया ये क्वेश्चन, माइनस 1.5 है तो ये इधर जाके 0 प्लस 1.5 होगा, यानी 3x इज इक्वल टू 1.5। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं, पॉइंट ख़त्म करने के लिए नीचे आपको 1 लगाना पड़ेगा, पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने 0, तो ये आएगा 115 डिवाइड बाई 30। तो ये आपके पास 15 वन ज़र 15, 15 टू ज़र 30, 1 बाई 2 आ जाएगा, 1 बाई 2। तो x की वैल्यू 1 बाई 2 लिख लें, या अगर क्योंकि क्वेश्चन डेसिमल में है तो 0.5 भी लिख सकते हैं। 0.5 से मुराद है आधा, 1/2 से मुराद होता है आधा, हाफ। बेशक डिवाइड करके भी चेक कर लें, मैं करवा देता हूँ। 2 1 छोटा है, 2 नहीं जाता, ऊपर लगाएंगे पॉइंट और इधर लगा लेंगे 0, 2 5 10, तो 0.5 ही आता है। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है। अब आपने ये यहाँ पे पुट करनी है और अपना आंसर जो है वो फाइंड करना है, इसकी वेरिफिकेशन करनी है। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे पुट कर दें 0.9 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ठीक है। अब 3 को मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 5 3 15, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1, तो 1 डिजिट छोड़ के 0 लगा दें। 1.5 माइनस 1.5 नीचे आएगा 0.9 माइनस 1.5 को 5 से मल्टीपल अप्लाई करना है, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5। तो पॉइंट ए के वक्त के लिए भूल जाएं आप, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आता है, 75 आता है। पॉइंट के बाद इधर भी एक डिजिट है, पॉइंट के बाद इधर भी एक डिजिट है, पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो दो डिजिट छोड़ के आप 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो ये फिर आंसर आएगा 0.75 इज इक्वल टू 0। 1.5 माइनस 1.5 ये वैसे ही 0 हो जाता है, 0 डिवाइडेड बाय, इसको फिर हल करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऊपर 0 आगे चले, पर हल करके मैं दे देता हूँ आपको 0.9 0.75। इधर अपनी तरफ से एक 0 लगा लें, पॉइंट के बाद 0 लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैरी किया 8 रह गया, इधर आ गया 10 में से 5 गया, 5 8 में से ये आ गया 0.15, तो इधर आएगा 0.15 इज इक्वल टू 0। ऊपर 0 है तो बेशक नीचे जो मर्जी हो ये 0 ही होगा, 0 इज इक्वल टू 0 ही आएगा, ये इसकी वेरिफिकेशन होगी। तो उम्मीद है कि ये चीज़ समझ आई होगी, नहीं समझ आई तो अपने टीचर से भी ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, या वीडियो को दोबारा बार बार देखें, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ जाएगी। लेकिन इन क्वेश्चन को समझने के लिए पॉइंट की मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सारी आनी चाहिए, डेसिमल की कैसे करते हैं। मैं वीडियो में ज़्यादा तफसील से नहीं बयान कर सकता है ये एक एक स्टेप, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। तो अगर आपकी रिक्वेस्ट आई कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि पॉइंट की अगर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आप समझना चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर लहदा से एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ताकि वो चीज़ आपको
समझ आ जाए। इस तरह आज की वीडियो में एक्सरसाइज 9.2 के बाकी रिमेनिंग पार्ट भी हमने मुकम्मल कर लिए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें। खुदा हाफिज़।